एवरीवन, सतनाम वाहेगुरु। तो कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर आज की इस मजेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रोस्टेड पोहे का नमकीन यानी कि चिवड़ा, और इसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। और बिल्कुल बाजार जैसा क्रिस्पी एंड क्रंची पोहे का ये नमकीन आप बहुत ही आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। तो इस दिवाली पर इस रेसिपी को आप जरूर से ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो पोहे का ये नमकीन बनाने के लिए हमें चाहिए होगा ये पतला वाला पोहा, जो कि स्पेशली ये नमकीन यानी कि चिवड़ा बनाने के लिए मिलता है मार्केट में। बिल्कुल पतला सा होता है ये वाला पोहा, और ये पोहा मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो यानी कि 500 ग्राम। पोहे को मैंने अच्छे से यहाँ पे छान कर लिया है ताकि जो भी इसमें पाउडर था वो अच्छे से निकल जाए और बिल्कुल आप इसे साफ कर ले। तो ये बिल्कुल पतला वाला पोहा है, आपको यही चाहिए होगा इस नमकीन को बनाने के लिए। तो ये पोहे का जो चूड़ा हम बना रहे हैं, इसके लिए मैंने ये जो लिया है पोहा आधा किलो लिया है। अब यहाँ पर हम ले लेंगे एक मिक्सी का जार, और यहाँ पर सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 3 टीस्पून के जितना चीनी। अगर आपके पास पाउडर है तो पाउडर चीनी भी ले सकते हैं। तो मैंने 3 छोटी चम्मच यहाँ पर ये चीनी डाल दी है। इसी के साथ यहाँ पर हम नमक डालेंगे। तो 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे नॉर्मल नमक डाल दिया, 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे सेंधा नमक डाल दिया। आप चाहें तो यहाँ पे नॉर्मल नमक भी ले सकते हैं पूरा। तो यहाँ पे आप टेस्ट के हिसाब से नमक ले लें। अब इन सारी चीजों को बिल्कुल अच्छे से हम यहाँ पर ग्राइंड कर लेंगे, इसका बिल्कुल फाइन सा पाउडर तैयार कर लेंगे। कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं, नमक और चीनी का मैंने बिल्कुल फाइन सा पाउडर तैयार कर लिया है। अब ये जो पाउडर है इसे हम डालेंगे जो हमने पोहा लिया है इसमें। तो यहाँ पे ये पोहे के ऊपर ये थोड़ा थोड़ा सा करके चीनी और नमक का पाउडर हम डाल देंगे, और इसे बिल्कुल अच्छे से हमें यहाँ पर मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे ये मैंने पाउडर डाल दिया है इसके ऊपर, और इस तरीके से अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे सारा पाउडर हमने डाल दिया है, और बढ़िया से हम यहाँ पर पोहे को मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर इसमें हम डालेंगे यहाँ पर चाट मसाला। तो 1 छोटी चम्मच के जितना इसमें हम चाट मसाला डाल देंगे। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप नॉर्मल अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। चाट मसाला डालने के बाद भी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं, और गैस पर हम चढ़ा लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे 1/4 कप नॉर्मल ऑयल, जो भी आप खाने का ऑयल यूज करते हैं वो ऑयल ले लें। यहाँ पर टेबलस्पून के हिसाब से देखें तो 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया है। ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे, और फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच यहाँ पे राई के दाने। गैस को आपको बिल्कुल यहाँ पे लो मीडियम के बीच में रखना है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, और अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर पीनट्स यानी कि मूंगफली। तो यहाँ पर ये मैंने ली है मूंगफली 1 छोटी कटोरी भर के। अगर ग्राम्स में हम देखें तो ये लगभग 125 ग्राम के जितना मूंगफली मैंने लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अब हम यहाँ पर मूंगफली को अच्छे से 2-3 मिनट के लिए यहाँ पे बढ़िया सी ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो इसका हल्का सा हम कलर चेंज होने देंगे, उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें भी डाल देंगे। तो यहाँ पे लगभग 2-3 मिनट के लिए मूंगफली को मैंने अच्छे से सेक लिया है, और आप देख सकते हैं इसका हल्का सा अभी कलर चेंज हुआ है, लेकिन ये पूरी तरह से अभी क्रिस्पी नहीं हुई है। इसी टाइम पे हम इसमें डालेंगे यहाँ पर ये हरी मिर्ची। तो लगभग यहाँ पे 8 से 9 हरी मिर्च ली थी, जिसे मैंने इस तरीके से बारीक सा कट कर लिया है। हरी मिर्च को भी हम यहाँ पर अच्छे से थोड़ी देर के लिए सेक लेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हरी मिर्च को कम या ज्यादा रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, क्योंकि हरी मिर्च बिल्कुल भी फीकी ना लगे, इसके लिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, और लगभग 1 मिनट तक हम इसे भी पीनट्स के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे करी लीव्स। तो यहाँ पर मैंने करी लीव्स डाल दिए हैं इसमें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करी लीव्स को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसे भी हम सारी चीजों के साथ मिक्स करते हुए कुछ देर के लिए अच्छे से इसके साथ फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर ये करी लीव्स भी हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे ये नारियल। ये सूखा वाला नारियल लिया है मैंने, और बिल्कुल बारीक बारीक सा इस तरीके से कट कर लिया है। इसकी जो क्वांटिटी है ये आधा कप ली है मैंने। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम या ज्यादा इसे भी रख सकते हैं। अच्छे से हम इसे भी मिक्स कर लेंगे, और बिल्कुल गैस को यहाँ पर लो रखें, और नारियल को भी अच्छे से हम यहाँ पर बढ़िया से इस पर कलर आने तक इसे सेक लेंगे। इस तरीके से सारी चीज़ों के साथ फ्राई कर लेंगे। नारियल का कलर बहुत ज़्यादा डार्क ना करे, वरना वो जो नमकीन आपका बनेगा उसमें इसका बिल्कुल कड़वा कड़वा टेस्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं हल्का सा ये गुलाबी रंग का हो गया है, बस इतना ही हम इसे फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर मैंने ले ली है रोस्टेड चना दाल, जिसे हम फुटाना भी कहते हैं। ये भी हम इसमें डालेंगे 1 छोटी कटोरी। ग्राम्स में देखिए तो लगभग 100 ग्राम लिया है मैंने, और इसे भी हम अच्छे से इसमें फ्राई कर लेंगे सारी चीजों के साथ। इसे फ्राई होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी रोस्टेड होती है। तो बस 1 मिनट में ही इस पर अच्छा सा एक कलर आ जाएगा। तो बढ़िया से ये भी फ्राई हो गई है।
अब यहाँ पर मैंने थोड़े से काजू ले लिए हैं और थोड़ी सी किशमिश ले ली है। काजू को मैंने इस तरीके से दो पीसेस में कट कर लिया है। काजू और किशमिश डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो आप इसके साथ बादाम वगैरह भी यूज कर सकते हैं इस नमकीन में। अच्छे से हम इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे लगभग एक मिनट के लिए। और बढ़िया से आप देख सकते हैं इन पे सारी चीज़ें हमारी अच्छे से क्रिस्पी हो गई हैं और बढ़िया सा इन पे कलर भी आ गया है। बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर ही मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर फ्राई की हैं। अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हिंग, तो 1/4 टीस्पून के जितना मैंने इसमें हिंग डाल दिया। हिंग ज़रूर डालिए, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है उसका नमकीन में। हिंग डालने के बाद अच्छे से हम इन सारी चीज़ों को यहाँ पर कर लेंगे एक बार मिक्स। तो ध्यान रखें आपको ये सारी चीज़ें फ्राई करते टाइम गैस को बिल्कुल लो मीडियम के बीच में ही रखना है और सारी चीज़ें बिल्कुल हमारी यहाँ पर अच्छे से क्रंची हो गई हैं। तो यहाँ पर अब हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, तो आधी छोटी चम्मच में यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर डालने के बाद अच्छे से आप इसे मिक्स करें और एकदम से आपको गैस को यहाँ पर बंद कर देना है। जैसे ही आपका हल्दी पाउडर अच्छे से सारी चीज़ों में मिक्स हो जाए तो आप गैस को यहाँ पर बंद कर दें। आप देख सकते हैं मैंने हल्दी पाउडर को बढ़िया से यहाँ पर मिक्स कर लिया है और यहाँ पर अब मैंने गैस को बंद कर दिया है और अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे और यहाँ पर लगभग हम इसे एक मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो लगभग एक से दो मिनट के लिए आप इसे ऐसे ही रहने दें, उसके बाद फिर हम इसमें पोहा डालेंगे। तो यहाँ पर गैस हमारा अभी भी बंद है और अब हम यहाँ पर एक दो मिनट के बाद इसमें ये पोहा जो हमने तैयार किया था जिसमें हमने चीनी का पाउडर, नमक और हमने यहाँ पे चाट मसाला डालकर साइड में रख दिए थे ये पोहे, तो ये सारे पोहे हम अब इस कढ़ाई में डाल देंगे। और गैस अभी भी हमारा बंद है, पहले हम सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे उसके बाद फिर हम गैस को ऑन करेंगे। तो पहले आप अच्छे से यहाँ पर सारी चीज़ों को इस तरीके से मिक्स कर लें। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पोहे पे धीरे धीरे अच्छे से कलर चढ़ने लग गया है क्योंकि हमने इसमें हल्दी पाउडर का यूज़ किया है। सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर हमारी मिक्स हो गई हैं। तो बस यहाँ पर जैसे ही हमारी सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो जाए तो फिर आप गैस को ऑन कर लें और गैस ऑन करके हमें इस पोहे के जो नमकीन है उसको हमें यहाँ पर लगभग 7 से 8 मिनट के लिए ऐसे ही अच्छे से रोस्ट करना होगा। तो इस तरीके से आप इसे बीच बीच में चलाते रहें और बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर आप इसे रोस्ट करें लगभग 7 से 8 मिनट के लिए या फिर तब तक जब तक ये बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी ना हो जाए। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, देख सकते हैं आप पोहे का ये नमकीन। और इसी तरीके से हम इसे लगभग 7-8 मिनट के लिए इसी तरीके से बीच बीच में चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे और बढ़िया सा ये क्रिस्पी हो जाएगा। तो लगभग 8 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे पोहे के इस नमकीन को बढ़िया से रोस्ट कर लिया है और ये बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही प्यारा से इस पर कलर भी आया है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है इस तरीके से। अगर आप पोहे का नमकीन बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी है और जैसे जैसे ये ठंडा होगा तो इसके बाद ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। तो बिल्कुल हमारा ये नमकीन यहाँ पर बनकर तैयार है। मैंने गैस को यहाँ पर बंद कर दिया है पूरी तरह से। इसे ठंडा होने के बाद किसी भी एयरटाइट डब्बे में भरकर आप इसे 1 महीने तक इंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल क्रिस्पी बना रहता है अगर आप इस तरीके से इस नमकीन को बनाते हैं और बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं लगता है। आपने देखा हमने बहुत ही कम ऑयल का यूज़ करके इस नमकीन को बनाया है, बिल्कुल भी ये ऑयली नहीं है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप ज़रूर इस तरीके से इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और इसी तरह की और भी दिवाली स्पेशल रेसिपीज़ आप हमारे चैनल पर ज़रूर से चेक करें। और अगर इसी तरह की और भी बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।